सो आज हम करेंगे ये वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आई एम अज्यूमिंग कि आप कर लोगे, आई एम होपिंग आप कर लोगे। क्वेश्चन 7.3 मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम स्किप कर रहे हैं, बिकॉज़ ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं, इट माइट टेक सम टाइम, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में, हम उसमें मूव करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मीन मीडियन मोड का, मीन सेंट्रल टेंडेंसीज। सेंट्रल टेंडेंसीज क्या होती है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं हमारी, जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होती है तो हमारा जो डेटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, वो किसी एक मिड वैल्यू के चारों तरफ घूमती है। मींस ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं तो उनका एवरेज भी कुछ होगा। एवरेज का मीनिंग ये होता है कि ऑन एन एवरेज या ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रहेगी, या फिर एक मिड वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो सभी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर सके। ऐसे ही मीडियन होता है, मीडियन मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जो आपके डेटा को टू कैटेगरीज में डिवाइड करती है, जिसमें एक कैटेगरी होती है जिस थोड़ी जो एवरेज मार्क्स है या एवरेज जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उससे कम वालों की, और एक कैटेगरी होती है एवरेज से ज्यादा वालों की। ओके खुशी, ठीक है, गुड। अक्षत इज हियर, चलो देखते हैं अब इसको आवाज आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो वो होती है हमारी मीडियन, एंड देन सेंट्रल टेंडेंसी आती है लास्ट में मोड। मोड को देखो, मोड को सेंट्रल टेंडेंसी कहना थोड़ा सा गलत होता है, हालांकि टीचर्स इसको क्लैरिफाई नहीं करते हैं, बट मेरे हिसाब से मोड इज नॉट अ सेंट्रल टेंडेंसी, बिकॉज ये मिड वैल्यूज को नहीं रिप्रेजेंट करता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, जो आपके मैग्नीट्यूड की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एज पर द मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यूज। एक मिनट में इसको पूछ लेता हूँ। अक्षत, अक्षत आवाज आ रही है आपको? प्लीज कंफर्म। यस सर। ओके गुड। सो सेंट्रल टेंडेंसीज पर इस चीज को डिस्कस आप ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, आपको सिर्फ पता होना चाहिए सेंट्रल टेंडेंसीज क्या होती है। मीन मीडियन मोड, ये जो थ्री वैल्यूज होती है जिससे हम एक तरह से एवरेज या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेटा निकालते हैं कि आपका जो डेटा का कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ये सेंट्रल टेंडेंसीज होती है जिसमें सबसे पहले मीन आता है आपका। मीन आपको पता है, मीन को हम एवरेज से, एवरेज भी बोलते हैं, एवरेज मार्क्स या एवरेज परफॉर्मेंस किसी भी चीज की जो होती है उसको हम मीन बोलते हैं। मीन को हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, प्लीज ध्यान रखना। अगर कहीं पर ए एम लिखा है, कई बार होता है फाइंड ए एम ऑफ दिस डेटा, तो उसका मीनिंग होता है कि आपको मीन निकालना है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन। सो अर्थमेटिक मीन हमारा है द एवरेज ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन और सिंपली द मीन ऑफ गिवन नंबर्स। मीन आपको आता होगा कैलकुलेट करना, आपने प्रीवियस क्लासेस में, अर्लियर क्लासेस में निकाला है। मीन मीडियन मोड एक्चुअली तीनों ही निकाले हैं, प्राइवेट स्कूल्स में बता रहे थे अर्लियर क्लासेस में ही, तो स्टिल करना है। इसमें कुछ एक लेवल अप हो सकता है मे बी कि आपको कुछ और नया सीखने को मिले। तो एवरेज जो होता है डेटा का, किसी भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का एवरेज और मीन, वो निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, मीन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। ये जो मीन होता है इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, प्लीज ये ध्यान रखना। ये सिंबल कभी भी आ जाए एक्स बार, तो इसका मीनिंग होता है कि ये मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जरूरी नहीं है, पर अगर मीन की प्लेस पर आपको कोई सिंबल रखना है या फिर कहीं पर इस चैप्टर में ये सिंबल आपको दिख रहा है तो समझ जाओ कि ये मीन की बात कर रहे हैं। एक्स बार रिप्रेजेंट्स मीन ऑफ अ डेटा, और इसका आपको फॉर्मूला बताइए, मीन और एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जैसे आप वो निकालते हो एवरेज कि सारे मार्क्स को ऐड करो और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दो, तो आपके एवरेज मार्क्स होंगे या फिर मीन ऑफ मार्क्स होंगे, मीन मार्क्स होंगे, ठीक है।
ये आपको पता है। इसके बाद में सेकंड आता है हमारा, इसी में अर्थमेटिक मीन ऑफ सिंपल सीरीज। देखो अर्थमेटिक मीन भी दो टाइप का होता है। ये तो हमारे पास अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है लिखी हुई है, मैंने आपको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे दिए सिंपली लिख के, किसी के 10, 20 एंड सो ऑन, ऐसे मैंने आपको 10 ऑब्जर्वेशंस दे दी और बोला कि आपको मीन निकालना है, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला इजीली, जिसको हम मीन ऑफ सिंपल सीरीज बोलते हैं। कंसीडर करो वी हैव एन ऑब्जर्वेशंस, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है जिसको हमने एन से डिनोट किया, एंड वो ऑब्जर्वेशंस को अभी मैंने डिफाइन कर लिया इन वेरिएबल्स से। दीज आर जस्ट वेरिएबल्स कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन x1 है, x2 है, देन x3 है, देन x, ऐसे करके हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है कहीं तक की ऑब्जर्वेशंस है। xn मैंने ले लिया कि मे बी ये 50 तक हो या 40 तक हो या 100, कुछ भी हो सकता है यहाँ एन की वैल्यू। तो अगर मुझे इस डेटा का मीन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। इस फॉर्मूले का यूज होगा मीन इक्वल्स टू दिस 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 दिस, इन सब का सम ओवर कितनी ऑब्जर्वेशंस है, एन ऑब्जर्वेशंस है, तो उसको एन से डिवाइड करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं। ये आपको बहुत दिखाई देगा इस चैप्टर में, बुक में भी है, एनसीईआरटी में भी है, और जो एक्स्ट्रा बुक्स होंगी उसमें तो बहुत ही ज्यादा यूज होगा। तो इसका मीनिंग होता है, ये एक ग्रीक सिंबल होता है सिग्मा, जिसको हम यहाँ पर सिग्मा नहीं बोलेंगे, इसका मीनिंग यहाँ पर होता है समेशन। समेशन का मीनिंग होता है जब हमें किसी सीरीज का सम करना होता है। आपने अगर एक्सेल एमएस एक्सेल किया हुआ है तो उसमें भी ये सिंबल होता है, जिसको हम प्रेस करते हैं तो पूरे कॉलम का सम हमें नीचे वाले सेल में निकल के आ जाता है, उसका कैलकुलेट होके आ जाता है। तो यहाँ पर मीनिंग इसका होता है समेशन। समेशन मीन्स जब हमें किसी सीरीज का सम निकालना है। अब वो सीरीज कैसे रिप्रेजेंट होगी, यहाँ पर आई, आई के प्लेस पर आप एन कर सकते हो, ये आई रहने दो इसे, ये एक्स आई एक्स टू एक्स आई यहाँ पर एक्स आई होता है, मीन्स वन से स्टार्ट होगी सीरीज, यानी ऑब्जर्वेशन आपकी वन से स्टार्ट होगी और एन तक जाएगी। एन मीन्स कितनी भी हो सकती है, 50 ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और उन सब का हमें क्या करना है, सम करना है। एक्स आई मीन्स एक्स वन से लेकर एक्स एन तक का सम, उसको हम ऐसे ना लिख के इस फॉर्मूला से लिख देते हैं। ये कोई स्पेशल चीज नहीं है, प्लीज इसे घबराना नहीं देखकर। ये सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको कर रहा है। आप इसके प्लेस पर ये भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो। लेकिन कई बार क्वेश्चन टीचर ही ऐसे दे देते हैं, वो ऐसे लिख कर दे देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। इसका मीनिंग ये है कि आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है जिसमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से लेकर यहाँ पर जो भी नंबर होगा, 50 है तो उसका मतलब 50 ऑब्जर्वेशन है, 40 लिखा है तो 40 ऑब्जर्वेशन है, 100 है, 100 है तो 100 ऑब्जर्वेशन है। ये सिर्फ इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उन सभी ऑब्जर्वेशन का सम ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ 50 है तो यहाँ भी 50 आएगा, 100 है तो यहाँ भी 100 आएगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है जिसको हम समेशन फॉर्मूला या फिर मीन का फॉर्मूला कहते हैं। ये समेशन है और ये पूरा मीन का फॉर्मूला है। आप ये भी ध्यान रख सकते हो, आपको सॉल्व तो ऐसे ही करना है, इसका कोई मतलब नहीं बचता है, ठीक है। बट ये बहुत रिपीट होगा सिंबल बार बार, दैट्स व्हाई मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो एक बार अर्थमेटिक मीन ऑफ सिंपल सीरीज वापस से रिपीट कर दीजिए। अभी अर्थमेटिक मीन ऑफ सिंपल सीरीज का मीनिंग सिर्फ ये है बच्चे कि आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उन ऑब्जर्वेशंस का मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उन ऑब्जर्वेशंस को ऐड करेंगे और उन्हें डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से। सपोज करो कि मेरे पास मार्क्स हैं आपके या मेरे ही मार्क्स हैं, चलो लेट्स सी मेरे मार्क्स हैं, आउट ऑफ 100 मार्क्स आए मेरे, मैथ्स में मार्क्स आए ओनली 33 आउट ऑफ 100 और इंग्लिश में आए 28, आई वाज फेल्ड, SST में तो बिल्कुल 15 ही मार्क्स आए, और बाकी कौन सा साइंस में मेरे थोड़े से ठीक मार्क्स आ गए, ठीक का मतलब मेरे लिए ये भी बहुत थे। एंड देन प्लीज डिस्क्लेमर, ये मेरे ओरिजिनल मार्क्स नहीं है, कभी आप घर पे बताने लगो कि सर के तो ऐसे मार्क्स आए थे, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल। और लास्ट में एक और सब्जेक्ट हिंदी पे बचे, हिंदी में मैंने 60 कंसीडर किए। तो ये मेरे मार्क्स हैं, मीन्स ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन हैं, these five observations, जिसमें यहाँ पर अगर इसके हिसाब से देखें तो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है और ये x5 है, ठीक है। I have five observations and अगर formula के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर n की value क्या है मेरे पास, 5 है, last observation, fifth observation है। तो
तो n की वैल्यू 5 होगी, मींस मुझे 5 ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है, इन सब को ऐड करना है और किससे डिवाइड करना है, n की वैल्यू यानी कि 5 से उसको डिवाइड करना है, तो उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। गॉट इट? यस सर, बट ये वाला जो सिंबल है इसमें प्लेस कैसे किया? फॉर एग्जांपल अगर हमें ये वाली फॉर्म में दे दिया कि सारे sum of observations upon the number of observation, वो वाली फॉर्म में हमें दे दिया एंड देन कहा कि इसको ऐसे लिखकर दिखाओ, तो हम वो कैसे करेंगे? नहीं, ऐसे लिखकर नहीं दिखाना होगा आपको, कभी भी नहीं दिखाना होगा सर। बट फिर भी जनरली इसको ऐसे कन्वर्ट कैसे किया? कन्वर्ट कैसे किया वही मैंने बताया था, वो मैं बता भी रहा हूँ। देखो, आप जब भी आपके पास कोई सीरीज का सम है, जैसे मेरे पास एक सीरीज है नंबर्स की, है ना, इसका मुझे सम करना है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक 33 + 28 + 15 + 40 + 60 ऐसे लिखने के प्लेस पर मैं क्या करूंगा, मैं इनको डिफाइन कर दूंगा x1 x2 x3 x4 x5, और फिर मैं ये लिख दूंगा अपने फॉर्मूला में सम। इसका मीनिंग है सम कर रहे हैं, किसका सम कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस का सम कर रहे हैं। जो ऑब्जर्वेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, 5 तक चलेगी, 5 ऑब्जर्वेशंस है, 5 तक चलेगी, और ऑब्जर्वेशंस को मैंने डिफाइन किससे किया हुआ है, एक्स से डिफाइन किया हुआ है। तो इसका मीनिंग ये हुआ सम करना है एक्स वाली टर्म्स का जो कि 1 से स्टार्ट है और 5 तक करना है। सपोज करो यही सीरीज दे रखी है, बट मैंने यहाँ पर लिख दिया सम आई इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ पर लिख दिया 5, तो इस केस में, और यहाँ पर है एक्स आई, तो इस केस में मैं जब सम करूंगा तो वो कहाँ से स्टार्ट करूंगा, 3rd ऑब्जर्वेशन से, बिकॉज आई की वैल्यू क्या गिवन है, आई की वैल्यू है 3, और आई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है उस ऑब्जर्वेशन को, जिस ऑब्जर्वेशन को मुझे कंसिडर करना है। Fine? Yes, sir. तो ये सिंबल जस्ट एक सीरीज के सम को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है, कि इतना बड़ा ना लिख के हम डायरेक्ट ये लिख देते हैं और यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं, इससे खुद ही पता लगा लो कि हम कितनी नंबर्स का सम कर रहे हैं और वो ऑब्जर्वेशंस कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। That's it. Excuse me, sir. हाँ बच्चे बोलो। सर फिर जो भी क्वेश्चन बीन से रिलेटेड होगा उस क्वेश्चन में हम इसी सिंबल का यूज करेंगे? नहीं बच्चे, मैंने बोला आपको यही यूज करना है, ठीक है, आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, सीधे लिख दोगे ये, बल्कि ये भी नहीं लिखने की जरूरत है, आप लिखोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट। ये यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, ये सिर्फ मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस करा है बिकॉज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जब आएंगे तो उसमें ये बार बार ऐसे रिप्रेजेंट होगा, आपका सिंबल बार बार आएगा, और वो जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे मैं दूंगा आपको, तो उसमें आप देख लेना कि कैसे हम इसको टैकल करेंगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, बुक में नहीं है उस टाइप के क्वेश्चंस। तो इसका मतलब तो अभी सिर्फ आप ये समझो कि ये एक सीरीज के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट्स इट। ओके सर। और नाम इसका सिग्मा नहीं, प्लीज अगर कोई पूछता है इस चैप्टर के रिगार्ड, तो सिग्मा नहीं बोलना है, हालांकि सिग्मा सिंबल है, आप बोलोगे समेशन का साइन, ठीक है, समेशन मीन्स सीरीज को सम कर रहा है। What is the sign represent that is in arithmetic mean of simpler? ये sign बच्चे वही बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, ये sign बता रहा है series के sum को, जब हम एक number of series को, suppose करो मेरे पास 100 numbers हैं, है ना, 100 observations हैं, तो मैं ऐसे करके 100 observations तो नहीं लिखूंगा कि पहली observation plus दूसरी observation plus तीसरी observation, नहीं, मैं क्या लिख दूंगा सीधे यहाँ पे, कि मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है जिसमें मैं फर्स्ट टर्म से लेकर इतनी टर्म तक का सम निकाल रहा हूँ, 100 है तो यहाँ पर 100 आएगा, फर्स्ट टर्म से लेकर 100 टर्म तक का सम निकाल रहा हूँ जिसमें ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, वो सारी ऑब्जर्वेशन लिखने के प्लेस पर मैं सिर्फ ये छोटा सा एक सिंबल बनाकर लिख दूंगा जिसमें मैं डिफाइन कर दूंगा कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से लेकर 100 ऑब्जर्वेशन का सम इतना है, दैट्स इट, उसको ये इस तरह से शो कराने की जरूरत नहीं होगी। अभी मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं इससे ही रिलेट करके उसको बता दूंगा, तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आई थिंक उन एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर होगा। ओके रिधिमा, ठीक है,
समेशन का साइन है, बस ये ध्यान रखो अभी। तो ये तो था हमारा मीन। मीन के बाद में आपका जो सेकंड आता है वो होता है मीन, मीन अच्छा नहीं ये भी तो है, मीन ऑफ ग्रुप्ड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है वैसे, इजी है, आई मीन देखो ध्यान से, बट इतना मुश्किल नहीं है। अनग्रुप डेटा देखो, नंबर ऑफ सीरीज के प्लेस पर अगर हमें टेबल दी हुई है, ये हमारे पास टेबल है और हमें इसका मीन निकालना, ये दिया हुआ, ये नहीं होगा, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। हमारे पास सिर्फ ये डेटा दिया होगा, अनग्रुप्ड डेटा है, फाइन। अनग्रुप डेटा का हमें मीन निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक कॉलम बनाना होगा। देखो बेसिकली इस डेटा का मीनिंग क्या होता है, अनग्रुप डेटा का मीनिंग मैं समझा देता हूँ, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ। अनग्रुप डेटा आपको ये दिया हुआ है एंड इसका मीनिंग ये है कि आपके पास 10 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, 10 ऑब्जर्वेशंस गिवन है जिसमें 100 तो है 5 टाइम्स, मींस ये डेटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 100 100 100 100 100 then we have 200 200 200 then we have 300 and 400। तो ये हमारा एक्चुअली में डेटा ये है जिससे अनग्रुप टेबल में उन्होंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर मैं इस डेटा का मीन निकालता तो मैं क्या करता, इन सबको ऐड करता है ना, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 300 और प्लस 400 और इसको डिवाइड करता नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कि 10 से, करेक्ट। बट उन्होंने ये डेटा इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ, उन्होंने किस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस फॉर्म से मुझे अगर मीन निकालना है तो हमारा फॉर्मूला तो यही होता है। तो इस केस में इसी डेटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से जिससे कि हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो हमें पता है कितनी है, इन सबका जो सम होगा वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगा। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 100 5 टाइम्स है तो 100 इंटू 5 कितना हो गया, 500, यहाँ पर ऐड करके देखो ये तब भी 500 ही आएगा। तो ये तो सम हो गया 100 वाली ऑब्जर्वेशंस का, 200 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 200 इंटू 3 इसका सम कितना होगा, 600। यहाँ से देखोगे 200 प्लस 200 प्लस 200 600, फिर 300 कितनी बार रिपीट हुआ है, सिर्फ एक बार ही हुआ है रिपीट, तो एक बार ही आया, रिपीट हुआ ही नहीं है, तो 300 इसका सम होगा, एक ही ऑब्जर्वेशन 300 एंड देन वी हैव 400। तो इन नंबर्स का जो ऑब्जर्वेशन का सम होगा वो क्या होगा, इन सब का सम यानी सम ऑफ एफ आई एक्स आई वाला कॉलम। समझ में आया थोड़ा सा, अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं सिर्फ सम बता रहा हूँ। इसमें ये xi and fi का क्या मतलब है? xi है number of, ये xi तो है आपकी observation। सब वो समझ गए, but ये variable मतलब xi हमने पहले लिया था, तो that was the नहीं, पहले xi, पहले भी xi हमने observation के लिए लिया था ना, पिछले वाले जो slide में हमने xi लिया था वो मैंने किस लिए लिया था, observations को define करने के लिए लिया। but what do we call it, किसी ऐसी वेरिएबल है या फिर ये वेरिएबल xi नंबर ऑफ ये ऑब्जर्वेशंस को डिफाइन करने के लिए होता है। एक्चुअली ये होता तो क्लास मार्क है, बट क्लास मार्क में अभी आपको ठीक से बताया नहीं, मैंने सिर्फ आपको सॉल्यूशन बताए थे, तो अभी आप उसमें नहीं जाओगे। फिलहाल आप सिर्फ ये समझो कि xi इज रिप्रेजेंटिंग ऑब्जर्वेशंस, जो ऑब्जर्वेशंस आपकी डेटा में है, जो फेस वैल्यू है उनकी, कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं उसमें कौन कौन सी वैल्यूज एक्चुअली में प्रेजेंट हैं। जैसे आपका वो ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन था, उसमें ऑब्जर्वेशंस क्या थी, ए था, बी था और ओ, ए बी था है ना, और ओ था, तो वो एक्स आई थे सभी, एक्स आई वॉज रिप्रेजेंटिंग दोज फेस वैल्यूज, और वो कितनी बार रिपीट हुए उसे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ आई, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि कितनी बार वो रिपीट हुआ। ओके सो यहां पर मेरे पास ये समाया, देखो
100 कितने टाइम्स रिपीट हुआ था, 5 टाइम्स, तो वो 500 हो गया. 200 कितने टाइम्स रिपीट हुआ था, 3 टाइम्स, तो वो 600 हो गया. 300 कितने टाइम्स आया था, 1 टाइम, तो उसका सम 300 ही होगा. और 400 1 टाइम आया था, तो टोटल जो हमारे पास आया, ये तो 10 ऑब्जर्वेशन है और इन सब का सम कितना हो गया, 1800. अगर हम अलग अलग भी उनको ऐड करते तो भी आंसर क्या आता, 1800 आता. अब आपको पता है मीन का फॉर्मूला क्या होता है. मीन का फॉर्मूला अभी हमने करा था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अब इसको अगर इस सिंबल में हम लिखें, तो यहाँ पर जो हमारा है, हम सब किसका कर रहे हैं, कौन सी सीरीज का कर रहे हैं, एफ आई एक्स आई का. सम ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई एक्स आई वाला जो कॉलम है, उस पूरे कॉलम का सम कर रहे हैं हम. और इसको किससे डिवाइड करेंगे, इन सब के सम से, मींस सम ऑफ एफ आई से. इसको अगर फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करना है, तो दिस वन इज द फॉर्मूला कि एफ आई एक्स आई से हम डिवाइड कर रहे हैं. लेकिन एफ आई एक्स आई तो इतने सारे हैं, हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एफ आई एक्स आई से नहीं डिवाइड कर रहे, हम किससे कर रहे हैं, सम ऑफ एफ आई एक्स आई से. तो इसीलिए हमने समेशन का साइन यूज किया. सम कर रहे हैं कौन सी सीरीज का, एफ आई एक्स आई वाली सीरीज का. जिस कॉलम में एफ आई एक्स आई है, उस पूरे कॉलम का हमने सम किया और उसे डिवाइड किया कौन से सम से, सम ऑफ एफ आई वाले कॉलम से. ठीक है, दैट्स व्हाई हमने सिग्मा का यूज करा, बिकॉज यहाँ पर हम ये सारे ऑब्जर्वेशन को एड कर रहे हैं. कोई पर्टिकुलर हम एक ऑब्जर्वेशन नहीं ले रहे हैं. अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये लिख दिया एफ आई एक्स आई ओवर एफ आई, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता. इससे हमें नहीं पता चलेगा कि मैं कौन से एफ आई एक्स आई को कौन से एफ आई से डिवाइड कर रहा हूँ. ये इंडिविजुअल वैल्यू होंगी, तो इससे हमें नहीं पता चलेगा कि हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं या इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, किसको किससे कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है. लेकिन अगर मैंने इसके आगे समेशन का साइन लगा दिया, तो इसका मीनिंग ये होगा कि एफ आई एक्स आई वाली सारी वैल्यूज के सम को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, एफ आई वाले कॉलम की सारी वैल्यूज के सम से. मींस 1800 की को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 10 से, दैट गिव्स अस 180. तो ये हमारा मीन हो गया. दिस इज हाउ वी यूज दिस साइन. वो एन और एक्स लिखने की भी आपको जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली यूज दिस सिंबल. ये सिर्फ और सिर्फ सम को रिप्रेजेंट करता है. जब आप बहुत सारी वैल्यूज का सम निकालते हैं, तो उसमें आप ये साइन लगा देते हैं, दैट्स इट. किसी को पूछना है प्लीज पूछ लो अगेन कुछ भी. क्लियर सर? क्लियर, ओके. और किसी को क्लियर है तो प्लीज टाइप यस और से यस. यस सर, क्लियर. ओके, इसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, बट ये मेथड 10th क्लास में सबसे पहला मेथड होगा स्टैटिस्टिक्स में. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका स्टैटिस्टिक्स में आएगा 10th क्लास में, वो यही आएगा. इसी मेथड से मीन निकालो. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा बोलो. सर, जिस क्वेश्चन में हमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दी होंगी, उसी क्वेश्चन में हम ये मेथड यूज करेंगे. जिस क्वेश्चन में हमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दी होंगी, उसमें हम ये यूज करेंगे. नहीं, आप इसको तब यूज करोगे जब आपको डेटा इस फॉर्म में दिया होगा, टेबुलर फॉर्म में दिया होगा. ठीक है, ओके सर. चलो आगे मूव करते हैं. अब मीडियन होगा आई थिंक, इसमें और तो कुछ नहीं बचा. ये आ गया, इसको इग्नोर कर सकते हो. ये एन और आई इक्वल्स टू वन को, ये हमारा सम हो गया, सम ऑफ एफ आई एक्स आई ओवर सम ऑफ एफ आई, दैट्स इट. एफ आई एक्स आई के सम को आपने डिवाइड करा सम ऑफ एफ आई से. ये तो 10th में भी हम मेंशन नहीं करते, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, बट आई थिंक आप और भी कंफ्यूज हो गए ये क्यों लिखा है. यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान रखना, अगर फिर से समझना चाहते हो, यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जिनका हम सम कर रहे हैं, विच इज 10, और यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो डैट मीन्स आप यहाँ पर 1 लिखोगे, दैट्स इट. आपको तो लिखना ही नहीं है एक्चुअली, ये सिर्फ समझाने के लिए.
आपको सिर्फ सम, ये समेशन का साइन एफ आई एक्स है ओवर सम ऑफ एफ आई एक्स। इसका यूज बहुत कम होगा आपके कोर्स में, नाइन्थ क्लास में एक्चुअली ये है नहीं, लेकिन आर डी शर्मा और कुछ बुक्स में इंट्रोड्यूस कराया हुआ है और आपके स्कूल के टीचर्स बहुत दे आर फॉन्ड ऑफ आर डी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल दीज बुक्स। तो वो इन सिंबल्स को दिखाने में और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे। तो ये दीज क्वेश्चंस आर नॉट ऑफ योर कोर्स, पर फिर भी करना है तो व्हाई नॉट अभी से स्टार्ट कर देते हैं जब करना ही है, टेंथ क्लास में भी करना ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में भी। ठीक है, तो 180s का आया था हमारा सम मीन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। हाँ ये भी तो है, ये इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट कर लेना और समझ तो लेना एटलीस्ट, नोट नोट भी ना करो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 mark के 2 mark के बहुत आते हैं, टीचर्स देते हैं और खूब देते हैं। सिंपल है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया है कि अगर आपका आपको ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं और उनका मीन कुछ दिया हुआ है, तो वो बोलेंगे कि अगर ईच ऑब्जर्वेशन में हमने इतने ऐड कर दिए, 2 ऐड कर दिए या 3 या 4 कुछ भी ऐड कर दिया, तो बताओ न्यू मीन क्या होगा। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है, एक 2 है, 5 है, 8 है, 9, 11, ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इनका सम, इनका मीन अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, मान लिया हमने मीन ले लिया इसका 10 आ रहा है, ठीक है, मीन इनका 10 है। फिर वो बोलेंगे कि अगर ईच ऑब्जर्वेशन में 2 ऐड कर दिया जाए, इसमें भी 2 ऐड कर दिया, इसमें भी 2 ऐड कर दिया, इसमें भी 2 ऐड कर दिया, इसमें भी 2 ऐड कर दिया एंड इसमें भी 2 ऐड कर दिया, तो बताओ न्यू मीन क्या होगा। तो उस केस में ध्यान रखना कि जितना हम ऐड करते हैं मीन भी उतना ही एक्स्ट्रा हो जाता है। 2 ऐड किया है ईच ऑब्जर्वेशन में, तो मीन भी जो न्यू मीन होगा वो पुराने मीन से 2 एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। 5 ऐड करोगे तो न्यू मीन विल बी 5 मोर देन पुराना वाला मीन। वही प्रॉपर्टीज, इसमें 4 प्रॉपर्टीज आई थिंक। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, ये हमारा मीन है, कंसीडर कर लिया इन सारी ऑब्जर्वेशंस का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब हम हर ऑब्जर्वेशन, ये तो ये उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है जो मैंने बताई थी, ये सिर्फ एक चेक करने का तरीका होता है। हो सकता है ये क्वेश्चन दे दें कि चेक करके बताओ कि आपने मीन ठीक निकाला है या नहीं निकाला है। इसका मीनिंग यह है कि अगर आप हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करोगे और फिर उन सब वैल्यूज को ऐड करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, समझे। या कोई एग्जांपल देके समझाओ, जस्ट टेल मी, सो प्लीज गिव एग्जांपल। मैं एग्जांपल देता हूँ, कंसीडर करो कि मेरे पास ये डेटा है, एक मैं छोटा सा डेटा ले लेता हूँ, वी हैव 5 नंबर्स, एक 0 है, एक 2 है, एक 5 है, एक 8 है और एक और ले लेते हैं, एक है 12। ये 5 नंबर्स हैं, इनका पहले हम मीन निकालते हैं। मीन क्या होगा, मीन विल बी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट मीन 0 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 12 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो मेरे पास इसका आंसर क्या है, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस ये हो गया 27। क्या बच्चे, सर आई वाज सेइंग दैट द सम विल बी 27। ओके, सो 27, और इसको जब देखो मीन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखना, मीन हमेशा डेसिमल में होता है। अगर वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं भी हो पा रहा है तो डेसिमल के 2 प्लेस 3 प्लेसेस वो यूनिट के हिसाब से आप छोड़ कर आओगे, बट फ्रैक्शन में कभी भी नहीं छोड़ के आओगे। तो इसका आंसर आएगा 5.5 × 25, 5.4, ये इसका मीन हो गया है ना, यही होगा ना, 5.4 मीन हो गया, ठीक है। मीन को हम क्योंकि एक्स बार से डिनोट करते हैं तो ये एक तरीके से एक्स बार की वैल्यू हमारे पास आ गई 5.4। तो इस प्रॉपर्टी में इन्होंने बोला है कि जब हम इस मीन को ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन में से माइनस करेंगे, पहले हमने इसको एक्स वन में से माइनस किया, मीन्स 0 में से माइनस किया 5.4 को, फिर एक्स टू यानी कि 2 में से माइनस किया 5.4 को, देन थर्ड ऑब्जर्वेशन में से मीन्स 5 में से माइनस किया 5.4 को,
एंड देन 8 में से माइनस किया 5.4 को और लास्ट में किया 12 में से 5.4 को. तो ये जो एक्सप्रेशन है यानी कि इनका सम क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए. अगर जीरो आ रहा है तो मीन ठीक निकाला है आपने, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो मीन इनकरेक्ट है. लेट्स सी, माइनस 5.4 आएगा, इसको करोगे तो माइनस का 3.4 आएगा, इसको करोगे तो ये आएगा माइनस 0.4, इसको किया तो ये आ गया 3.4, ये यही आएगा ना, जीरो में से 2.2 में से 5.4 गया, नहीं ये गलत हो गया, एक मिनट, हाँ 2 माइनस 5.4 3.4 होता है, नहीं कितना होता है बताओ कोई, एनीवन, क्या ये करेक्ट है सर? व्हाट, क्या 2 माइनस 5.4 3.4 होता है? सर 2 माइनस 5.4 यस, नो सर, कितना होगा? सर यही होगा माइनस 3.4. माइनस 3.4 होगा ऑफ कोर्स. हाँ माइनस, वही पूछ रहा हूँ कि 3.4 होगा या माइनस होगा. करेक्ट, ठीक से मतलब अटेंटिव रहना है. ठीक है माइनस, हाँ गौर, ठीक है ठीक है. तो कई बार ये वाइवा जो हो रहा है उसमें पूछ रहे थे, बिकॉज कल हुआ था कुछ स्टूडेंट्स का वाइवा, तो उन्होंने पूछ लिया था ऐसे ही कुछ वैल्यू थी, उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन तो लगाया नहीं, उन्होंने आंसर पूछ लिया. बच्चों ने सोचा कि हाँ पॉजिटिव नेगेटिव का क्या बताना, उन्होंने आंसर बता दिया और उनका हो गया इनकरेक्ट, बिकॉज उन्होंने नेगेटिव का साइन नहीं लगाया. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना. अब ऑनलाइन तुम्हारे होने तो इनमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं वो. एनीवे सो लेट्स मूव टू आगे. हाँ ये माइनस कर रहे थे, 5 में से 5.4 माइनस करेंगे तो माइनस 0.4, 8 माइनस 5.4 होगा तो कितना आएगा? कौन अटेंड कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है इस टाइम, प्लीज अब ज्वाइन मत करो, जस्ट अ सेक प्लीज, ये कोई ज्वाइन. आप इसको करो इतने सॉल्व, मैं बता दूं, मैं जरा ही किसी का कॉल आ रहा है. हाँ जी ठीक है, ये तो हो गया 5 में से 5.4 गए, 0.4 बचा, 8 में से 5.4 सबट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 3.4 आएगा आंसर. एनीवन? यस सर. 8 में से 5.4 माइनस करेंगे तो 3.4 आएगा, आर यू श्योर? यस. चलो देखते हैं करके, वी हैव 8.0. Oh, sir, 2.6 आएगा. 2.6, yes, and 5.4. Yes, sir, 2.6. 10 minus 4, 6, and 7 minus 2.6. So, ये 2.6 आएगा, ठीक है? Yes, 2.6, correct. ये 2.6 आया एंड लास्ट में वी हैव 12 माइनस 5.4, ये कितना आएगा? 12.0 में से 5.4 माइनस करोगे तो 11 माइनस 5 6.6. यस, अब इनको ऐड करके देखते हैं वेदर आंसर इज जीरो और नॉट. आप बताओ आंसर जीरो आएगा नहीं आएगा, खुद कैलकुलेट करके देखो. इनका सम तो माइनस का 4, 4 जा 4, 3 जा 12 एंड 5 प्लस 1 6, 3, 9 माइनस 9.2
और इनका सम कितना आएगा 6 6 12, 6 + 2 8 + 1 9 9.2, तो आंसर क्या है 0 आया. विल सेटिस्फाई दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, तो सिंपली इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये था बोलने का कि अगर हम मीन को ईच ऑब्जर्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर्स का सम जो होगा वो हमेशा जीरो के इक्वल होगा. दैट्स इट. ये प्रॉपर्टी ही है, इसको आपको ध्यान रखना है. ये आंसर क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करें उनका सम करें तो आंसर क्या आएगा, उसमें वो यहाँ पर मीन ही लिख देते हैं या फिर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं या कुछ भी ऐसा लिख देते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं. तो आपको बताना होता है कि क्या वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बच्चे. सर दिस इक्वेशन, सर जिसमें से हमने आंसर जीरो निकाला है सर, ये हमें क्वेश्चन में मेंशनड हो गया या फिर हमें खुद लिखनी पड़ेगी इक्वेशन? ये क्वेश्चन पहली बात तो आपका देखो बुक से रिलेटेड तो है नहीं, बुक में नहीं है ये क्वेश्चंस, कोई भी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में से टीचर किसी भी तरह से दे सकते हैं. अभी तक मैंने जो देखा है, मैं नाइन्थ को पढ़ा रहा हूँ काफी ईयर से, तो अभी तक तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है कि आया हो, रिपीट हुआ हो या एक बार भी अपीयर हुआ हो. लेकिन ये प्रॉपर्टी है तो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जस्ट फॉर द नॉलेज भी पता होनी चाहिए कि जब हम ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करते हैं तो उसका सम जीरो के इक्वल आता है. अब इससे वो वेरीफाई करने के लिए भी दे सकते हैं कि ऑल्सो वेरीफाई योर मीन, कि आपने जो मीन निकाला है वो सही है या नहीं है. तो उस केस में आप ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करोगे और देखोगे कि क्या आंसर जीरो आ रहा है उनके सम का या नहीं आ रहा है. ठीक है, या फिर वो हो सकता है चेक करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए दे दें कि ऑब्जर्वेशन में से जब मीन को माइनस करेंगे तो आंसर टू आएगा या थ्री आएगा, वो दे सकते हैं कि ये ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है. तो उस केस में आप लिख दोगे फॉल्स है बिकॉज आंसर जीरो आना चाहिए. ठीक है, तो कुछ भी किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है ये, अगर आया तो. वैसे आई एम नॉट श्योर, आई एम श्योर कि ये नहीं आएगा, नॉट श्योर नहीं, आई एम श्योर नहीं आएगा. फाइन. यस सर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी. ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा था कि इफ वी हैव सम ऑब्जर्वेशंस और उनको हम अगर इंक्रीज कर देते हैं बाय किसी भी नंबर, पी कुछ भी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, पॉजिटिव नंबर को, अगर हम ऑब्जर्वेशंस को इंक्रीज कर देते हैं तो जो मीन होगा वो पुराने मीन से उतना ही ज्यादा होगा जितनी ऑब्जर्वेशंस में हमने वैल्यू ऐड करी है. इसका भी एग्जांपल देकर बताऊं कोई? यस सर. चलो दे देता हूं. अगेन छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. वी हैव दीज ऑब्जर्वेशंस से 9, 11, 12, 8 and 20. ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं. फाइन, इन ऑब्जर्वेशंस का अगर आप मीन निकालोगे तो इनका मीन आएगा 9 + 11 + 12 + 8 + 20 ओवर कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी, 5 ऑब्जर्वेशंस हैं. मीन्स 20 + 20 + 40 + 20 = 60. 12. ठीक है, 11, 9, 20, 12, 8, 20 और 20. ये हमारा मीन आ गया. अब उन्होंने बोला क्वेश्चन में कि ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय अ फिक्स्ड नंबर, सेम नंबर इंक्रीज हो गया. मैंने सब में 1 1 ऐड कर लिया, छोटा सा एग्जांपल है तो मैं क्या करता हूँ हर ऑब्जर्वेशन में 1 ऐड कर लेता हूँ. पहले हमारी ऑब्जर्वेशन थी, पहली ऑब्जर्वेशन थी 9. 9 + 1 कितना हो गया 10, 11 + 1 हो गया 12, 12 + 1 = 13, 8 + 1 = 9 एंड 20 + 1 = 21. अब हम इसका न्यू मीन निकाल कर देखते हैं. न्यू मीन जो होगा वो इन सबका ऑब्जर्वेशन का सम, डेट इज 10 + 12 + 13 + 9 + 21 ओवर ऑब्जर्वेशन तो अब भी 5 ही है. तो यहाँ पर देखते हैं 21 + 9 = 30, 30 + 25 कितना होता है 55, 55 + 10 = 65. तो 65/5 और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आया 13. तो देखो पुराने मीन से जो हमारा ओल्ड मीन था उससे कितना ज्यादा आंसर है, ये 1 ज्यादा है. क्यों है 1 ज्यादा? क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशन में 1 ऐड किया था, ईच ऑब्जर्वेशन में 1 ऐड किया था. अगर हम 2 ऐड करते तो यहाँ पर आंसर 14 आता,
3 ऐड करते हैं तो 15 आता, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस में आप जितनी वैल्यू, फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, ध्यान रखना कि फिक्स वैल्यू अगर कोई इंक्रीज हो रही है ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन में, तो मीन भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को, कुछ भी? नो सर। इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन आता बहुत है ये क्वेश्चन, काफी आता है, छोटा सा 1 or 2 मार्क्स में आ जाता है कि अगर ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 5 देन फाइंड आउट द न्यू मीन, या कुछ भी ऐसे दे सकते हैं, या मीन न्यू मीन कितना इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है जितना नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है ईच ऑब्जर्वेशन में, मीन भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। सेम थिंग गोज विद डिफरेंस, यस, रिड्यूस करने में, अगर आप कुछ नंबर रिड्यूस कर रहे हो तो मीन उतना ही डिक्रीज भी हो जाएगा। अगर 1 डिक्रीज किया होता है तो आंसर उसका 11 आता जो 12 आ रहा था। इसका एग्जांपल देने की आई थिंक जरूरत नहीं है, जितना इंक्रीज किया था उतना मीन इंक्रीज हो गया था, जितना डिक्रीज करोगे मीन उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे बोलो। सर हैव यू टीच्ड बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम? क्या बच्चे? हिस्टोग्राम नहीं बच्चे, वो एक्सरसाइज लास्ट में कराएंगे, डोंट वरी, वो स्किप नहीं हुई है, वो इसके बाद में कराएंगे, मीन मीडियन मोड के बाद में कराएंगे। ओके सर। ठीक है, तो इसमें भी किसी को इश्यू नहीं होगा कि अगर हमने इंक्रीज करा ऑब्जर्वेशंस में तो मीन इंक्रीज हो गया, अगर डिक्रीज किया कोई नंबर, अगेन बोल रहा हूँ कि फिक्स नंबर होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए जो डिक्रीज हो रहा है, और ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन में से होना चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होंगी। ऐसा वैसे होगा नहीं कि वो कुछ ऐसा दे देंगे शुरू की ऑब्जर्वेशंस में इंक्रीज करो बाद की ऑब्जर्वेशंस में नहीं करा, वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, पर फिर भी ध्यान रखना कि सेम नंबर इंक्रीज होना चाहिए। कई बार वो एमसीक्यूज में दे देता है कि ईच ऑब्जर्वेशन में से कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, वो बोल देंगे कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में 1 इंक्रीज करा, सेकंड ऑब्जर्वेशन में 2 इंक्रीज करा, थर्ड ऑब्जर्वेशन में से 3 इंक्रीज करा, तो क्या जो हमारा मीन है वो इतना इंक्रीज होगा या कितना इंक्रीज होगा, तो नहीं, उसमें ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। इफ नंबर इज नॉट फिक्स्ड तो फिर हम उसमें कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, तो उस केस में आंसर नो ही होगा कि नहीं वो इतना इंक्रीज नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है वो, फिर फाइन, उसमें आपको कैलकुलेट ही करके देखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं बाय द वे। सो थर्ड प्रॉपर्टी ये थी, फोर्थ प्रॉपर्टी में सेम है, इस बार आप मल्टीप्लाई करोगे नॉन जीरो नंबर से, ठीक है, नॉन जीरो मीन्स पॉजिटिव इंटीजर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ईच ऑब्जर्वेशन को, तो न्यू ऑब्जर्वेशन भी उतने ही टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, उतने ही टाइम्स हो जाएगी जितने टाइम्स आपने नंबर को मल्टीप्लाई करा। अगर 5 से मल्टीप्लाई कराए तो न्यू मीन विल बी 5 टाइम्स ऑफ ओल्ड मीन, अगर 2 से मल्टीप्लाई करिए तो न्यू मीन विल बी ट्वाइस ऑफ ओल्ड मीन, एंड सेम थिंग गोज विद डिविजन, कि अगर आप डिवाइड कर रहे हो ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर से, तो न्यू मीन विल बी क्वेश्चन ऑफ पुराना मीन डिवाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर नंबर जो जिससे हमने डिवाइड किया है। ये क्लियर है सबको? आपको प्लीज बताओ अगर इसमें से किसी को कुछ भी डाउट है। ये वाले क्वेश्चंस बुक में नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूँ ये बुक के क्वेश्चंस नहीं है, ना ही बुक में ये प्रॉपर्टी शायद दी हुई है, आई डोंट थिंक बुक में ये प्रॉपर्टीज दी है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके टीचर्स जरूर देंगे, तो क्लियर होना चाहिए। 10th में भी ये यूजफुल नहीं है एक्चुअली, में तो 10th में इससे रिलेटेड कुछ नहीं आएगा। cool. अब चलते हैं मीडियन, आई होप अब मीडियन आए। यस, मीडियन आपने किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, मतलब आई थिंक 8th में कराया था मीडियन। मीडियन आपको पता है, मिड वैल्यू, किसी भी डेटा की मिड वैल्यू को हम मीडियन बोलते हैं। सपोज करो, किस किस को बताया मीडियन निकालना, किस किस को आता है मीडियन कैलकुलेट करना, किस किस ने करा हुआ है, टेल मी। 8th में, 7th में भी करा देते हैं कुछ स्कूल्स में। किसी को नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ, अगर पता भी होगा तो रिवाइज हो जाएगा। मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जो मैंने अभी बोला था, बताया था स्टार्टिंग में, जो हमारे डेटा को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। 2 कैटेगरीज में मींस, एक तो वो कैटेगरी जो एवरेज से कम है, और एक वो कैटेगरी जो एवरेज से
ऊपर है, या फिर बीच में हमको एक ऐसी वैल्यू सेट कर लेते हैं कि उससे नीचे वाले और उससे ऊपर वाले, ऐसे कैटेगरी सेट कर लेते हैं. We take out, no, that is the solution. I'm asking what is median. Yeah, so sir, median is that only when we divide the set of whole observation into two, which will be like I told ki taking out the average of the two middlemost number, to jo beech wala number hoga, the numbers before that and the numbers after that, so it get divided into two parts. Okay. खुशी मैंने पूछा था मीडियन क्या होता है. एक्चुअली ठीक है, मीडियन हमारी एक ऐसी वैल्यू होती है जो डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसमें एक कैटेगरी होती है एवरेज से कम वाले मार्क्स या जो भी ऑब्जर्वेशन है, और एक एवरेज से ऊपर वाले मार्क्स या कोई वैल्यू हम बीच में सेट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप 9 स्टूडेंट्स हो, 9 स्टूडेंट्स में मैंने आपकी मार्क्स आए मैथ्स में, कुछ मार्क्स आया और मैंने उसमें फिक्स कर लिया, 20 में से मार्क्स आए तो मैंने उसमें एक वैल्यू फिक्स कर दी 10, जिससे कि मुझे कैटेगराइजेशन हो जाए कि कौन बच्चे बिलो एवरेज हैं और कौन बच्चे एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है या उसके आसपास है. तो 10 से नीचे वाले बच्चे होंगे कुछ और 10 से ऊपर वाले बच्चे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे. तो मैं सीधे उस मीडियन वैल्यू को देखकर बता सकता हूँ कि हाँ भाई इससे नीचे वाले इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ी ज्यादा अटेंशन की जरूरत है या फिर पढ़ाई की जरूरत है, और 10 से ऊपर वाले की इनको भी जरूरत तो है बट ये कर सकते हैं, दे आर डूइंग वेल. तो दिस इज हाउ दैट वैल्यू हेल्प्स अस इन एनालाइजिंग आवर डेटा, कि कैटेगराइजेशन हो जाता है उसमें. अभी एग्जांपल देता हूं, जैसे पहले बता ही देता हूं, फिर एग्जांपल देते हैं. द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वी डिवाइड्स इट इनटू एग्जैक्टली टू पार्ट्स, सिर्फ टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, ध्यान रखना उससे ज्यादा नहीं. ऑब्वियसली मीडियन है तो टू ही पार्ट्स में डिवाइड करेगी. दस आफ्टर अरेंजिंग द गिवन डेटा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप मीडियन निकालने के लिए आपको डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है. ऑब्वियसली अरेंज नहीं करेंगे, मैंने आपको मार्क्स दे दिए 10 स्टूडेंट्स के और सबसे पहले लिख दिया 20, देन दूसरा मार्क्स मैंने लिख दिया, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स 0 आए थे तो 0 लिख दिया, देन मैंने लिख दिया 10, देन 12, वो डेटा अरेंज नहीं है. तो उसमें आप कैसे वैल्यू मिड वैल्यू नहीं निकाल सकते. डेटा की मिड वैल्यू को निकालने के लिए, उसे कैटेगराइज करने के लिए आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करना पड़ेगा. तो ये चीज पॉइंट ध्यान रखना, जब भी मीडियन की बात आए तो सबसे पहला आपका काम होगा कि आपको डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. अगर वो नहीं है अरेंज्ड तो, क्योंकि नहीं होगा. तो मीडियन अनग्रुप्ड इंडिविजुअल सीरीज, यानी कि वही जो आपका आपके पास ऑब्जर्वेशंस होंगी उनका अगर आपको मीडियन निकालना है, देखो ये चीज ध्यान रखना, मीडियन के डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं आपके कोर्स में और नाइन्थ में. सिर्फ और सिर्फ अनग्रुप्ड डेटा का ही मीडियन निकालने की बात है. टेबुलर फॉर्म जो होंगी, जो ग्रुप्ड डेटा होगा, उसका मीडियन निकालने के लिए कभी नहीं आएगा. तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, इनकेस कहीं पर वो क्वेश्चन मिल जाता है तो. वैसे होगा नहीं, वो 10th क्लास का क्वेश्चन है जो कि डिफिकल्ट भी है, उसमें बहुत सारे टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी, तो वो नहीं आएगा. आपको सिर्फ अनग्रुप्ड और इंडिविजुअल सीरीज का ही मीडियन निकालना है. से वी हैव एन ऑब्जर्वेशंस, हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, 10 ऑब्जर्वेशंस और 5 ऑब्जर्वेशंस और कुछ भी, तो उसमें हमारे पास दो केसेस आते हैं कि हो सकता है ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो. अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हैं, सपोज करो मैंने आपको ये ऑब्जर्वेशंस दी, वी हैव ये मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ असेंडिंग में, 2, 3, 10, 12, 18, 21, 33, ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं और ये असेंडिंग ऑर्डर में है, आप देख सकते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो इसका अगर आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 7 है, 3 + 3, 7. तो एक तो मीडियन आप ऐसे ही देख के बता सकते हो, 3 ऑब्जर्वेशंस इधर छोड़ी, 3 इधर छोड़ी, बीच में जो बचा ये इसका मीडियन है. दिस इज मीडियन ऑफ दिस डेटा.
है ना, जब ऑड ऑब्जर्वेशन होती हैं तो मिडिल मोस्ट वैल्यू जो होती है वो मीडियन होती है इफ इट इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फाइन, तो लेकिन आप ऑब्वियसली एग्जाम में ऐसे नहीं लिख के आ सकते कि तीन इधर छोड़े और बीच की वैल्यू मीडियन हो गया, नहीं, आपको लिए आपको उसे प्रॉपरली करके दिखाना होगा। तो जब डेटा आपका ऑड है तो उस केस में आपका जो मीडियन होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड उसमें वन एड करके डिवाइडेड बाय टू एन प्लस वन ओवर टू, ये वाली ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, ये मीडियन नहीं है, इस प्लेस पर जो वैल्यू होगी डेटा में वो मीडियन होगी। ओके, जैसे कि अभी एग्जांपल था, व्हाई आई डिलीटेड दैट, एनीवे दोबारा से लिख देता हूँ, वी हैव दिस 2, 5, 8, 9, 11, 21 ये डेटा है हमारे पास एंड 33। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ऑड नंबर्स हैं तो इनका मीडियन क्या होगा, 7 + 1/2 means 7 + 1 = 8, 8 को 2 से डिवाइड करा 4, तो 4 मीडियन नहीं है, फोर्थ प्लेस पर जो वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4 ये हमारा मीडियन होगा। ठीक है, तो अगर ऑड नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो आप इस तरह से मीडियन निकालोगे। गॉट इट, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है किसी को, प्लीज पूछो डाउट है तो। ओके, इवन होगा तो डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 ही कर देंगे। नहीं, तब तो हो ही नहीं पाएगा बच्चे, अभी मैं बताता हूँ एग्जांपल देकर, उस केस में तो कंफ्यूजन होता है, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ऑड में तो इजीली होता है कि देखो बीच वाली वैल्यू आपको पता होती है, मिडिल मोस्ट वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो ऑड में, पर इवन होगा तो उसमें तो मिडिल मोस्ट 2 वैल्यूज होंगी, तो जैसा कि निकिता ने भी बताया कि हमें फिर मीन फाइंड आउट करना होता है ना, जैसे मैंने इसमें एक और वैल्यू ऐड कर दी 1, अब हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 8 है, मिडिल मोस्ट वैल्यू ऐसा तो नहीं कर सकता 4 इधर छोड़े और 4 इधर छोड़े, बीच में तो कुछ नहीं बचा, अगर 3 छोड़ूंगा 3 इधर छोड़े और 3 इधर छोड़े तो बीच में 2 वैल्यूज बची, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू तो मुझे नहीं पता चल रही, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मिडिल मोस्ट जो 2 वैल्यूज मिलती है हमें उनका हम मीन निकालते हैं, मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ये 2 है, क्योंकि हम 2 डिजिट्स का 2 नंबर्स का मीन निकाल रहे हैं, उस केस में ये जो आंसर आएगा यही मीन हो, मीडियन होगा, इस प्लेस की वैल्यू नहीं होगी, यही मीन होगा। अभी इसका फॉर्मूला के साथ में बता देता हूं मैं, ऑड वाला तो आई होप क्लियर होगा सबको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो उस केस में ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, मीन ऑफ एन अपॉन टू ये वाली टर्म और एन अपॉन 2 + 1 ये वाली टर्म, फॉर एग्जाम्पल। हाँ बच्चे बोलो, मैंने फिर से डिलीट कर दिया, चलो एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे बोलो सर, दम सर जो मिडिल मोस्ट टर्म होगी सर वो हम आइडेंटिफाई करके वही टर्म एम होगी, एन होगी, क्या बच्चे मिडिल टर्म, मिडिल टर्म ही एन एन से डिनोट करेंगे हम। हाँ नहीं, मिडिल टर्म एन से डिनोट नहीं होगी बच्चे, मिडिल टर्म नहीं है, एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है आपकी। देखो अभी और समझ आएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कुछ, सपोज करो मेरे पास ये वैल्यूज हैं 23, 41, 63, 80, 81 then 85, 336 and 87 then 90 कितनी वैल्यूज हो गई 448। यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो n की वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो आप देखोगे क्या n की वैल्यू इवन है या ऑड है, इस केस में ये इवन है, इवन है तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा एक्चुअली, ये फॉर्मूला इस तरह से है, n ओवर 2 ये वाली टर्म प्लस n ओवर 2 प्लस 1 ये वाली टर्म और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 ऑब्जर्वेशन है, मीन का मतलब होता है जितनी ऑब्जर्वेशन होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये एग्जैक्टली फॉर्मूला ये है, इसमें सिर्फ आपको n की वैल्यू पुट करनी है, n के बेस पर मैंने पुट करा क्या 8 पुट किया,
तो 8 अपॉन 2 क्या हो जाएगा फोर्थ टर्म, प्लस 8 अपॉन 2 4, 4 प्लस 1 क्या हुआ फिफ्थ टर्म ओवर 2. अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 80 एंड फिफ्थ टर्म की वैल्यू है 81 ओवर 2, 80 प्लस 81 161 ओवर 2 और डिवाइड करके आया कितना आएगा डिवाइड करके बताओ कोई जरा. सर इट विल कम इन पॉइंट. कितना एग्जैक्टली बताओ सर. 8.5. एनीवन एल्स? इसीलिए पूछा था मैंने. 80.5 करेक्ट अक्षर. 8.5 नहीं, 8.5 का डबल करोगे तो देखो 161 नहीं आएगा, कितना आएगा 17 आएगा. 2 से डिवाइड कर रहे हो, दैट मींस 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर वही आना चाहिए जिसे डिवाइड किया था. 80.5 ना जाने की जीरो, ये कॉन्सेप्ट. जब आप डिवाइड करोगे 28 या 16 नीचे 1 उतारा, जब हम नीचे उतारते हैं वैल्यू को अगर वो तब भी डिवाइजर से छोटी है तो हम पहले जीरो लगाते हैं फिर डेसिमल लगाते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं, है ना. छोटी सी चीज है पर ध्यान रखना. तो इसका आंसर आएगा 80.5. तो ये मीडियन हुआ कब, जब हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसी थी इवन थी. अब क्लियर हो गया कि एन की वैल्यू क्या होती है. यस सर. ओके, तो एन की वैल्यू से ही यहाँ पर भी एन की वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, लेकिन तब जब वैल्यू एन की क्या होगी ऑड होगी. उस केस में यहाँ पर बस आप रखो कंसिडर करो ये 7 होते तो 7 प्लस 1 8, 8 अपॉन 2 4 यानी फोर्थ प्लेस पर जो भी आपकी टर्म होगी वो आपका मीडियन होगा. और इवन के नंबर, इवन के केस में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. क्लियर है सबको? अभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें करेंगे ये क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें समझ आ जाएगा. क्वेश्चन एक मोड बता देता हूँ फिर मैं आपको रिलीव कर देता हूँ, ठीक है. काफी टाइम हो गया. मोड, मोड आपको पता है मोड क्या होता है? चलो बताओ आप ऐसे ही बता दो कोई भी. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. क्या बच्चे? सर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. नहीं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं होती बच्चे. मोड, मोड और किसी को पता है? खुशी तुमने किया हुआ चैप्टर टेल मी. क्या हो रहा है यार आज? मोड होता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है किसी डेटा में. अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है किसी डेटा में, कोई स्पेसिफिक नंबर, तो वो उस डेटा का मोड होगा. जो भी सबसे ज्यादा रिपीट होगा नंबर किसी भी डेटा में. नहीं गौरी आई कांट हियर यू, मेरे को तो नहीं आई आवाज. चलो अब मैंने बता दिया, वैसे आपको जिसको नहीं पता तो पता चल गया. आई एम श्योर आपने सही रिप्लाई करा होगा. सो सबसे ज्यादा जो वैल्यूज होंगी इस वैल्यू, इस वाले ऑब्जर्वेशन में आपका मोड क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू. बट इसमें ये भी ध्यान रखना कि आपकी मोड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है. मतलब एक ही डेटा में दो मोड भी हो सकते हैं. हो सकता है इतने टाइम से कोई और नंबर भी रिपीट हो रहा हो, तो उस केस में दो मोड भी हो सकते हैं. ठीक है, ये दूसरी मीटिंग स्टार्ट हो गई, आई विल हैव टू शट इट डाउन. सो ये हमारा था. नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे, स्टार्ट करेंगे. इसकी जो छोटी सी एक्सरसाइज है वो कम्प्लीट हो जाएगी एंड आई होप ग्राफ के भी क्वेश्चन कर पाएंगे. सो आई एम वाइंडिंग अप, अनदर टीचर इज वेटिंग फॉर. हाँ बच्चे. Sir, what is the time slot of the test to be held on 29th? मैं पोस्ट किया था बच्चे, फिर मैं दोबारा से पोस्ट कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक है? Okay sir, thank you. Okay, चलो bye everyone. I take your leave. Part please send me the reference number of your fees. Good evening बच्चे. Bye. Thank you.